टॉपिक है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेटेड है। ये बहुत बहुत यूज होगा और सिर्फ सर्कुलर में यूज नहीं होगा, ये प्लस टू तक जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। कभी इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा, कभी केमिस्ट्री में बोहर मॉडल आ जाएगा, आता भी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका होगा, सेंट्रिपिटल ये वो चीजें आती होंगी, ठीक है, टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, ये परेशान करती हैं। तो एक ही बार इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रूल नंबर वन, सबसे पहले आप ये समझें कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमती है और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये समझ लें कि ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहला पॉइंट है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई बॉडी ए से स्टार्ट होती है, घूम के वापस ए पे आती है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर के घूमने का टाइम, वो कितना है, कैपिटल टी है। तो मान लो एक बॉडी ने कैपिटल टी टाइम लिया ए से स्टार्ट होके वापस ए पे आने के लिए, ठीक, टी लिया, तो बताओ दूसरे चक्कर का टाइम क्या लिया, कैपिटल टी, वो क्यों, क्यों चेंज नहीं हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है। तो हमने कंडीशन क्या रखी, ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगले चक्कर का टाइम भी कैपिटल टी, अगले चक्कर का टाइम भी कैपिटल टी, क्लियर है यहां तक। तो यानी कि हर चक्कर का टाइम क्या, कैपिटल टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको गिवन होता है कि कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर पूरा हो रहा है, ठीक, यहां तक क्लियर है। दूसरा, अब ये बताओ कि टाइम पीरियड तो आ गया, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने क्या सीखी आज तक, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितने चक्कर, चक्करों को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन एक बॉडी कवर करती है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि टी सेकंड में इस बॉडी ने कितने रेवोल्यूशन कवर किए, एक, तो एक सेकंड में इस बॉडी ने कितने रेवोल्यूशन कवर किए, वन अपॉन टी, तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, वन अपॉन टाइम पीरियड लिखे साथ साथ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक, ये सुना भी हुआ आपने, वन अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का सिंबल या तो एफ होता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एफ, या फिर न्यू, ये सिंबल भी न्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या किया हमने, वन अपॉन टाइम पीरियड, ये भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, अब दूसरा पॉइंट, अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन तो निकाल लिया, अब ये बताओ कि अगर मान लो मैं पूछूं कि ओमेगा क्या होगा, इसमें ओमेगा क्या होगा, अब ओमेगा होता है, बाय डेफिनेशन ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या शॉर्ट फॉर्म में डी थीटा बाय डी टी, या फिर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कुछ भी बोल सकते हैं। जब मैं वर्ड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लूंगा तो उसका मतलब क्या है, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज, और जब मैं डी थीटा बाय डी टी लूंगा तो कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। ये तो बिल्कुल कैलकुलस शुरू हो गया, बिल्कुल वैसी जैसे फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस यूज होगा, एवरेज में टोटल चेंज बाय टोटल चेंज यूज होगा, ये भी क्लियर है। तो ये ओमेगा आ गया। अब मान लो बॉडी एक कंप्लीट चक्कर पूरा करती है, तो कंप्लीट चक्कर के लिए ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी है, 2 पाई, ओमेगा थीटा कितना है, 2 पाई, एक चक्कर वन रेवोल्यूशन, और टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, नोट करें नेक्स्ट फॉर्मूला, ये बहुत यूज होगा, आपको कैपिटल टी देगा, आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे ये पता है कि ओमेगा वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे लिखें 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फॉर्मूला, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का अगर दूसरा सिंबल यूज करना है तो 2 पाई इंटू न्यू, ये फॉर्मूला ओमेगा का,
ये यूज होगा, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और ओमेगा निकालने को कहेगा, तो ये यूज करना है आपने। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, ओमेगा 2 पाई बाय टी, स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, एक चक्कर का टाइम क्योंकि एंगल 2 पाई कैपिटल टी, ओमेगा 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करो, अब किसी ने मुझे ये कहा कि सर इस केस में आप ऐसा क्यों लेते हो, जब आप ओमेगा कैलकुलेट करते हो तो एंगल जरूरी थोड़ा कि 2 पाई हो, किसने कहा कि पूरा चक्कर ही कवर हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी ने कंप्लीट सर्कल कवर ही ना किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि ये बताओ कि मेरी बॉडी ए से कहां पे आ गई, बी पे आ गई। मैंने कहा ठीक है, तो ये बताओ कि यहां से यहां आने में कैपिटल टी टाइम लगा, यस कि नो? नो, कैपिटल टी तो पूरे चक्कर का टाइम है ना, तो यहां से यहां कैपिटल टी से कम टाइम लगा, कितना लगा? स्मॉल टी। स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, ये चेंज हो सकता है, कैपिटल टी कभी चेंज नहीं होगा, कैपिटल टी पूरे चक्कर का टाइम है, वो फिक्स रहता है, स्मॉल टी इंस्टेंट है। कोई मुझे ये पूछ सकता है कि बताओ 0.1 सेकंड पर एंगल सेंटर पे कितना कवर हुआ, मान लो कितना कवर हुआ, थीटा। 2 पाई तो कवर नहीं हुआ ना, लेकिन अगर कैपिटल टी टाइम है तो सेंटर पे एंगल 2 पाई, और स्मॉल टी टाइम है तो सेंटर पे एंगल थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर एंगल कितना थीटा, और टाइम टेकन यहां से कितना है, जीरो से स्मॉल टी। ठीक है, अब ये बताओ, कोई कहता है सर ये बताओ कि ओमेगा का थीटा और स्मॉल टी का रिलेशन क्या है? आपने बहुत आसानी से पिछले केस में कहा पूरे चक्कर का जो टाइम है वो कैपिटल टी है और एंगल 2 पाई है, तो ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, बिल्कुल सही। उसने कहा ये बताओ कि अब इस केस में ओमेगा का थीटा का रिलेशन क्या है? तो मैंने कहा देख, ओमेगा क्या होगा इसमें, वो यहां से यहां निकालना चाहता है निकाल ले, चाहे पूरा चक्कर ले, चाहे आधा ले, चाहे क्वार्टर ले, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है ना, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, अगर वो टाइम मुझे बोलता है कि स्मॉल टी लो, तो फिर एंगल भी क्या लिया जाएगा, थीटा। सिंपल, एंगल थीटा लेंगे। अगर एंगल थीटा 2 पाई होगा तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो यानी कि यहां तक क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, या थीटा इज इक्वल टू कितना, ओमेगा टी। लिखो फॉर्मूला, इसमें सर्कुलर मोशन में +1 से +2 तक एकदम जब सर्कुलर मोशन आएगा ना, तो आपको हर क्वेश्चन में ये एंगल आपको ओमेगा टी लेता हुआ दिखाई देगा। तो कोई ये ना पूछे सर ओमेगा टी क्यों लिया है, अब ये स्टैंडर्ड हो गया एंगल। ये कौन सा एंगल है, ये इंस्टेंटेनियस एंगल है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। तो स्मॉल टी 1 सेकंड पर कुछ और एंगल है, 2 सेकंड पे कुछ और एंगल है, 3 सेकंड पे कुछ और एंगल है, तो कैसे निकलेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये प्लीज फॉर्मूला याद रखें। मैं इस चीज को एक और तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं, जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि सर एक बात बताओ, अगर टाइम कैपिटल टी है तो एंगल बोलो कितना कवर होगा, मैंने कहा 2 पाई। अगर वो कहता है टाइम टेकन 1 सेकंड है तो एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अगर मान लो टाइम टेकन स्मॉल टी है तो एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये आपका थीटा है। और मैंने आपको बताया आज कि 2 पाई बाय कैपिटल टी क्या होता है, ओमेगा। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ऐसे भी सेम आंसर आएगा, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। ये मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया, मैंने वैसे ही निकाल दिया, मतलब इन शॉर्ट थीटा ओमेगा टी होगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला देखो, ये चीजें आपको कोई किताब ऐसे, ये नहीं है कि थ्योरी में कुछ नहीं आना है इसमें से, बट आपका मन पूछेगा ये कहां से आया। और हर बार जब मैं +1 +2 तक, ये कम से कम 100 बार यूज होगा सर्कुलर मोशन बीच में, आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है पूरी +2 वो इसी के ऊपर बेस्ड है सारी, बोहर्स मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, आपने किए सिर्फ फॉर्मूलास, फॉर्मूलास याद किए, अप्लाई किया, वो फॉर्मूलास कहाँ से आए, वो फिजिक्स का सेक्शन है।
और वो बोर नहीं है, वो इसलिए बोर हो जाता है क्योंकि फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, फिजिक्स वाले फॉर्मूलाज बनाते हैं, उसकी सेंट्रीपेटल फोर्स से पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कैसे आया। प्रूफ फिजिक्स के हिस्से में है, एप्लीकेशन केमिस्ट्री के हिस्से में है, ऐसा चल रहा है जो सारी सिचुएशन प्लस वन प्लस टू के बाद ही समझ में आती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो कभी ओमेगा टी आ गया, आपको कि कहाँ से आ गया, आप नहीं, आप पूछोगे नहीं कहाँ से आ गया, मैंने बता दिया कहाँ से आया। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसमें अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ओमेगा के यूनिट्स क्या थे? देखो ओमेगा, ओमेगा था डी थीटा बाई डी टी जैसे मैंने लिखा था, तो यूनिट्स क्या थे इसके? रेडियंस पर सेकेंड, सही है। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या थे? क्या थे? रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। आपकी बुक रेवोल्यूशंस पर सेकेंड नहीं लिखती, वो लिखती है शॉर्टकट आरपीएस, आरपीएस। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या है? आरपीएस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब प्रॉब्लम ये है, जब पेपर चलता है स्टूडेंट ध्यान से पढ़ता नहीं, वो सोच लेता है कि आरपीएस का मतलब है रेडियंस पर सेकेंड, वो भी आ रही भी यार, तो रेडियंस पर सेकेंड नहीं है, आरपीएस की फुल फॉर्म रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। राइट, क्लियर है? रेडियंस पर सेकेंड का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे आरपीएस आरपीएस में फंसे रहोगे नहीं तो। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल सिखाता हूं, एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसे और कैसे सोचना है आपने इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा कि अ फैन इज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ 10 आरपीएस। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ले या ये ओमेगा ले? अगर तो आप ये लाइन पढ़ते हैं रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा। और यूनिट्स किसके यूज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के। अब आधी स्टेटमेंट कह रही है कि ओमेगा, आधी स्टेटमेंट कह रही है फ्रीक्वेंसी, और ये हर क्वेश्चन में ऐसे लिखता है, तो मैं क्या लूं? मैं इसे यूनिट्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करूंगा, जो मर्जी नाम लिखे मैं इसको क्या लूंगा? फ्रीक्वेंसी ही लूंगा। तो ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वो कहते हैं देखो जी एंगुलर स्पीड गिवन है तो पक्की बात है, देखो बोल रहे हैं सर ओमेगा, ओमेगा बोल रहे हैं, या तो हो ना ना बोले, क्लियरली ओमेगा, तो हो सकता है वो गलती कर गया हो, रेवोल्यूशंस को वो रेडियंस बोलना चाहता हो, नहीं वो गलती नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा है। तो एंगुलर स्पीड को अगर वो 10 आरपीएस बोलता है तो वो एक्सपेक्ट करता है एक स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैलकुलेट करे, तो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने तो उसको फ्रीक्वेंसी दे दी 10 आरपीएस, तो स्टूडेंट क्या करे, इसकी ओमेगा की वैल्यू निकाल ले, 2 पाई इंटू 10 यूनिट्स ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रेडियंस पर सेकेंड में। तो ये आंसर आएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा कंफ्यूज नहीं होना, आरपीएस तो मतलब 100% फ्रीक्वेंसी, और अगर यहां पर रेडियंस पर सेकेंड हो तो पक्का ओमेगा ही लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी लेनी। डिफरेंस में आ रहा है यहां तक? आरपीएस देखती फ्रीक्वेंसी लेनी है, गलती नहीं करनी, ठीक? सोचना ही नहीं है, आरपीएस है ही फ्रीक्वेंसी, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अगर वो ये लिखता है अ फैन इज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 आरपीएस, तो बोलो क्या गिवन है? उसने कुछ लिखा ही नहीं, रोटेटिंग लिखा, अब ना तो ओमेगा ना फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, आरपीएस है तो पक्की बात है फ्रीक्वेंसी ही है, बात ही खत्म। मैंने अच्छा लिखा है फिर तो बहुत ही क्लियर है, नहीं भी लिखता मिटा देता हूं, ये लो इज रोटेटिंग एट
ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे लिखा होगा, रोटेटिंग एट 20 RPS, अब ठीक है, तो क्या आगे बने, फ्रीक्वेंसी, सही है, कोई डाउट इसमें?